हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूंगा। बेसिकली ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर अभी ये जो फर्स्ट लेसन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और लगभग आपकी फर्स्ट बुक में नॉन प्रॉफिट वाले फर्स्ट लेसन को छोड़कर पूरा जो बुक है आपका वो पार्टनरशिप पे है। सबसे ज़्यादा आपका लेंदी और बड़ी बुक ये है। तो पार्टनरशिप जो है उसका सबसे पहली बात यह है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए वो लॉफुल जो है वो काम करते हैं, तो उसको अपन पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट उसके अंदर दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना हो और जो भी वो काम करते हैं वो लीगल या लॉफुल होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी या फिर अपन एसेंशियल जो उसकी फीचर्स हैं अगर उसको डिस्कस करेंगे तो पार्टनरशिप का बहुत डिटेल जो है वो मीनिंग आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले है कि टू और मोर पर्सन मीन्स कि अगर पार्टनरशिप आपको करनी है तो ये मस्ट है कि आपके बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति बिजनेस को चला रहे हैं वो कम से कम दो और दो से ज़्यादा होने चाहिए। अब रही बात ये कि दो तो होने चाहिए, दो से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिखा है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा चेंजेस हुआ है काफ़ी टाइम के साथ में। बहुत टाइम पहले जब कंपनी एक्ट नहीं लगा था, उससे पहले पार्टनरशिप एक्ट ही था 1932, तो उस समय बैंकिंग जो फॉर्म्स होती थी जो बैंक से रिलेटेड काम करती थी उसमें 10 और दूसरे अदर जो थी उसके अंदर 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन 2013 कंपनी एक्ट जब लागू हुआ तो वहाँ पर उन्होंने पार्टनर्स की जो नंबर्स है उनको बढ़ाकर 100 तक जो है वो परमिशन दी कि आप 100 पार्टनर रख सकते हैं। लेकिन 2014 एक्ट जो बना उसके बाद इसको कम कर दिया गया और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो घटाकर आपके इसके अंदर 50 तक कर दी। तो दैट मीन्स कि अभी जो फाइनली आपके पास जो नंबर्स हैं कि मैक्सिमम पार्टनर मिनिमम तो दो होने ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर आपके जो है वो कितने हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एटलीस्ट दो पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कि किसी भी तरह से लॉ या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो एबल होने चाहिए। दैट मीन्स कि वो माइनर ना हो, उनका माइंड जो है वो साउंड होना चाहिए, उनमें कोई डिसेबिलिटी ना हो और प्लस वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो है उनको बैन नहीं होना चाहिए कि ये किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो यानी कि दो पर्सन ऐसे होने चाहिए वो बिल्कुल आपके जो है मेजर कैटेगरी यानी 18 साल से ज़्यादा भी होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और प्लस उनको जो है किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट करने की जो है वो परमिशन होनी चाहिए। तो ये पार्टनरशिप के अंदर है। आप पार्टनर माइनर्स को बना सकते हैं, माइनर मीन्स कि 18 साल से छोटा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो जने ऐसे होने चाहिए जो कि माइनर के अलावा होने चाहिए। और माइनर की एक अलग स्पेशल चीज़ भी होती है कि माइनर को अगर आप पार्टनर बनाते हो तो वो प्रॉफिट के अंदर तो शेयर मानता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो लॉस को बियर नहीं करता है। तो ये माइनर का जो है एक अलग सा सिस्टम इसमें रहता है। सेकंड, एग्रीमेंट और डीड। जैसे कि हर एक चीज़ के अंदर हर काम से पहले अगर हम उसके लिए कोई प्लानिंग करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, तो उसको डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप जब बनती है तो पार्टनर्स जितने भी होते हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कैसे करेंगे, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट होगी, सैलरी कितनी देंगे, प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो कुछ भी होता है, पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर्ड होता है, उसकी कैपिटल कितनी होगी, वो कितना जो है शेयर रिसीव करेगा, जाएगा तब किसको अपना शेयर देके जाएगा। तो दैट मीन्स कि पार्टनरशिप का स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप की डीड या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर अपन शामिल करते हैं। डीड जो है वो दोनों हो सकती है, जनरली ओरल भी हो सकती है। अगर आप लोगों का रिलेशन जो पार्टनर बन रहे हैं उनका बहुत रिलेशन अच्छा है तो ओरल डीड भी कर सकते हैं कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन वो परेशानी का कारण फ्यूचर में बनता है क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो दिक्कत आती है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड हमेशा आपके रिटर्न में होनी चाहिए, सारे रूल्स जो भी आप डिसाइड करते हो वो रिटर्न में होने चाहिए, तभी उसको अपन जो है वो पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ओरल के अंदर डीड बन नहीं पाएगी और फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होगा कि हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए रिटर्न में ही डीड रहना बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद
अगला है लॉफुल बिजनेस। देखिए इलेवेंथ आप लोगों ने पढ़ी है तो आप अच्छे से आपको पता है कि बिजनेस की डेफिनेशन जो होती है उसके अंदर बिजनेस बनता ही तभी है बेसिकली मेनली जबकि वो लॉफुल यानी कि लीगल काम को करता है। अगर कोई व्यक्ति लीगल काम करता है तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आता नहीं, उसको वोकेशन बोलते हैं। वोकेशन जो होता है जैसे तीन वर्ड होते हैं, एक तो बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक वोकेशन होता है। तो बिजनेस का मीनिंग यही होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करना तो चाहते हैं लेकिन वो काम जो कर रहे हैं वो आपका लीगल होना चाहिए। और जबकि वोकेशन जिसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो बिजनेस व्यापार को कहते हैं, वोकेशन व्यवसाय वर्ड जो होता है उसको कहते हैं। वोकेशन के अंदर ये हो सकता है कि आप कुछ भी करें, चाहे लीगल करें, चाहे इलीगल करें, चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं, चाहे आप चोरी भी कर रहे हैं या कुछ पैसा लेकर किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो वो सारा आपका वोकेशन के अंदर आता है, बिजनेस के अंदर नहीं। और प्रोफेशन जो वर्ड होता है तीसरा, वो एज ए नॉलेज बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट से कोई व्यक्ति जो है कोई चीज़ प्राप्त करता है और फिर उसके बाद उसे जो नॉलेज प्राप्त हुई उस नॉलेज को यूज़ करते हुए वो सर्विस देकर पैसा कमाता है तो वो प्रोफेशन होता है। जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, इंजीनियर्स है, तो ये सारी पर्टिकुलर अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है और उस सर्टिफिकेट के बेस पर वो वापस उसको अपनी जो सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं तो वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। तो ये बिजनेस के अंदर जो टर्म्स होती है ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसके अंदर लॉफुल बिजनेस लॉफुल होना चाहिए तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसमें कोई भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, जो भी होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होना चाहिए। उसके बाद अगला वर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस जो पार्टनरशिप करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो आप काम करेंगे, उससे लीगल काम करेंगे, उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे और वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको लेकर भी दो बातें हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो कौन से रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसी रेशियो को ध्यान में या काम में लेते हुए अपन जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पार्टनर्स के बीच में कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं है कि हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट्स, तो देन वो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आगे चल के अपन इसी में पढ़ेंगे आगे जाके कि पार्टनरशिप डीड होती है नहीं होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके पड़ता है। अब रही बात की प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो तो लॉस का मैंने अभी जस्ट आपको कुछ थोड़े टाइम पहले इसी में बताया कि माइनर जो पार्टनर होता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है पर लॉस नहीं। तो दैट मीन्स कि अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो सारे के सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन लॉस सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है। तो याद रखने की मेन काम की चीज़ें ये तीन ही है कि प्रॉफिट एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ईगल जो होगा इक्वल प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर पार्टनर में कोई माइनर भी है तो वो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। देन बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए कि बिजनेस को चलाना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर जितने पार्टनर हैं वो सारे के सारे बिजनेस को चलाएं, वो सारे के सारे भी बिजनेस को चला सकते हैं कि पांच पार्टनर है, पांचों बिजनेस में एक्टिव है, कोई सेल्स का काम संभाल रहा है, कोई परचेज का, कोई फाइनेंस का, इस तरह से वो सब अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर ये रूल है कि अगर आप चाहो तो सारे लोग मिलकर भी पार्टनरशिप जो है वो कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आपकी तरफ से कोई एक व्यक्ति भी जो है वो आपके बिजनेस को संभाल सकता है। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर से बनी हुई होती है तो इसके अंदर एक अलग सा सिस्टम ये रहता है कंपनी के कंपैरेटिवली कि पार्टनर्स अगर कुछ भी करेंगे तो उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी और फर्म की अगर कोई लायबिलिटी होगी तो वो सारे पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी बिजनेस में जो पैसा लगाते हो आपको उतना ही बस देना है, अपने घर से कुछ नहीं लाना। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स कि अगर वो खुद पैसे जो है वो दे पाए अपने बिजनेस में से तो ठीक है, उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए बिजनेस में पैसा नहीं है तो दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स, उनको घर का सामान, घर की एसेट्स बेचकर भी बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर देखिए पार्टनरशिप की थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बाद अपन प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और थ्योरी जैसा मैंने आपको पढ़ाया है आप भी जो बुक्स के अंदर और भी उसके डीट्स के बारे में जो वर्ड्स हैं वो इजीली पढ़कर समझ सकते हैं। अगर कोई टर्म समझना है
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको वापस आपको बता दूंगा। अब देन इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका बुक में थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंटेशन है, लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं ट्यूशन में अभी सारे सालों से, तो अपने हिसाब से चीज़ों को आपको बताते हैं, जिससे कि वो आपको ईजीली याद भी रहती है और प्लस उसको बनाने में बड़ी आसानी आपको लगेगी। मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया कि डीड जो है वो अगर है और डीड अगर नहीं है तो उससे क्या क्या चीज़ों पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है, वो यहाँ पर अपने देखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी वेल नोन है सारे एलिमेंट के अंदर, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि पार्टनर्स जो भी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर फर्म को उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस होगा और पार्टनर्स के लिए वो इनकम होगी, लेकिन जैसा आपको पता है अपन अकाउंटिंग जो है वो फर्म की करेंगे पार्टनर्स के हिसाब से नहीं, तो फर्म जो है वो पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट देगी तो उसकी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी और देगी या नहीं देगी, कि अगर उनके बीच में डीड है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो डीड है तो देना है, लेकिन अगर डीड नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जाए तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स को वापस फर्म को जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म के लिए एक इनकम होती है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं। अगर उनके बीच में कोई डीड है कि उनको ये ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट देना है तो वो देंगे, और अगर उनके बीच में कोई डीड नहीं है तो वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं देंगे। देन उसके बाद सैलरी, कोई व्यक्ति वहाँ पर एक्टिव पार्टनर है और एज पर एग्रीमेंट वो काम कर रहा है एक्टिव होकर तो उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी अगर डीड में है तो देंगे, डीड नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगी। कमीशन, कई बार काम कमीशन बेस पर कर दिया जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति जितना काम करेगा जितना फर्म को प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको जो है वो प्रॉफिट में उस कमीशन को देंगे। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है तो बेसिकली दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक तो होता है सैलरी बेस और एक होता है कमीशन बेस। सैलरी बेस में एक श्योर अमाउंट होता है कितना अमाउंट आपको मिलेगा ही, और कमीशन बेस में ये होता है कि आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आजकल एक हाइब्रिड सिस्टम भी बहुत सारे बिजनेस में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सैलरी भी रहती है फिक्स कुछ और बाकी कमीशन रहता है, मतलब इतना तो आपको मिलेगा 15,000 और उसके बाद पर कार बेचने पर आपको 300 रुपीज का जो है वो कमीशन और मिलेगा, जिससे कि उसको मेंटली एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, 15,000 तो आएगी और उसके बाद वो जितना एफर्ट्स करता है तो उसको एज ए कमीशन भी वो पैसा अलग से मिलता जाता है। देन उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स ने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि एज अ बोरोइंग यानी कि उधार या डेब्ट के रूप में आपको दिया है, और ये पैसा पार्टनर भी दे सकते हैं, कहीं बाहर से भी लोन लिया जा सकता है। तो लोन का इंटरेस्ट पार्टनर्स के जो है फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी है, और वो उसको इस तरह से डीड होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप उसके इंटरेस्ट दें या नहीं दें। तो पार्टनरशिप में चाहे डीड है या नहीं है, अगर इंटरेस्ट आपका लोन का है तो वो आपको देना ही देना है। डीड है तो डीड में बाय एनी पर्सन वो कह रहे हैं कि 5% देना है, 10% देना है, जितना कहे वैसे देंगे, लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो मैक्सिमम होगा आपका 6% पर एनम। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने अगर कोई लोन ले रखा है पार्टनर से और उस पर इंटरेस्ट देना है लेकिन उसकी रेट आपको पता नहीं, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो रहेगी वो 6% पर एनम। देन लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर पार्टनर्स में कोई डीड है कि अभी प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटना है, कौन से रेशियो में बांटना है, तो डीड के अकॉर्डिंग जो भी रेशियो है इक्वल है, 1:2 है, 2:3:1 है, वैसे आप उसको बांटेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में कोई डीड नहीं है तो उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमेशा आपका कैसे बांटा जाएगा, इक्वली। तो इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि डीड है नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि जब डीड है, पार्टनर्स एग्रीमेंट है, और या ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि डीड नहीं है, तो हमेशा यही माना जाता है कि पार्टनर्स के बीच डीड है, और डीड होने पर जो जैसा कहे उसको आप फॉलो करेंगे, और डीड नहीं होने पर सिर्फ कुछ लाइन्स आपको याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर की डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, और केवल लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%, और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको इक्वल बांटेंगे। तो वेरी शॉर्ट अगर आप कहें कि जब डीड ना हो तो केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर्स को 6% पर एनम, पर एनम होना नहीं होना आपने पढ़ा है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि पर एनम है या नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि पर एनम लिखा है तो इसका मतलब कि जितने मंथ में वो पैसा चुकाएगा उतने मंथ का ही इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर 6% लिखा होता
तो वो महीने भर में चुकाए चाहे पहले साल भर में चुकाए, पूरा 6% इंटरेस्ट उस पर चार्ज होता है। तो यहाँ पर एनम लिखा है, तो आपने जितने टाइम के लिए लोन लिया है उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्रॉफिट लॉस को वो बिना जो है डीड के कैसे बांटेंगे इक्वल रेशियो के अंदर। तो ये लगभग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। तो इसके बाद अपन आगे धीरे धीरे जो काफ़ी स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग, तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताता हूँ। और आई होप कि अगर आप लोग थोड़ा मुझे कॉपरेट करेंगे और इस वीडियो को आपके जो फ्रेंड्स हैं और उनको शेयर करें, चाहे भले वो ट्यूशन जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फिलहाल फ्री है, आप आराम से इसको देखिए और एक से दूसरे टीचर से आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अलग एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। तो आप जितना इसको हेल्प करेंगे, जितना शेयर करेंगे, व्यूवर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और ओनली जैसे अगर आप वैसे जाते हैं ट्यूशन करने ट्वेल्थ की, तो आपको नियरली 10 से लेकर 15,000 रुपीज़ तक उसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपको ये कोर्स पूरा 6,000 में कराऊंगा और जिसमें आपको मैक्सिमम थ्योरी और क्वेश्चंस जो है वो पूरे मैं आपको कराऊंगा। तो इसके लिए थैंकफुल कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ आप इसको अगर आगे जो है वो शेयर करें इसका लिंक, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए करूँगा। थैंक यू।